तौकीर ने क्या रिएक्शन दिया है स्टैन के उन वीडियोस पर, या जिस तरह से स्टैन मिमिक्री करते हैं उनकी उस बात पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है, बताती हूँ आपको। यहाँ फिल्म विंडो पर आपके साथ मैं हूँ दीपिका भटनागर। सुम्बुल के पापा यानी कि तौकीर खान जी अक्सर उनकी एक्टिंग करते हुए स्टैन नजर आते हैं बिग बॉस के घर में। कई बार जब सुम्बुल घर में थी तब भी कई बार स्टैन ने उनके अंदाज को, उनकी एक्टिंग को, या जिस तरह से वो पोएट्री शायरी लिखते हैं उसको कॉपी करके एक तरह से फन वे में ये चीजें की और सबको पसंद भी बहुत आई। कई बार गेस्ट के आगे भी इस तरह से चीजें हुई और अभी एक प्रोमो आउट हुआ है जिसमें फिर ऐसा ही कुछ क्रिएट किया जा रहा है। प्रोमो है रोहित शेट्टी से जुड़ा हुआ। रोहित शेट्टी एक सीन रिक्रिएट कर रहे हैं जिसमें शालीन और अर्चना इन दोनों को वो कपल बना रहे हैं और कह रहे हैं स्टैन जो है वो अर्चना के, यानी कि अर्चना का नाम उन्होंने रिया रखा है वहां, उनके पापा हैं और आपको जाके इनसे शादी की परमिशन लेनी है। और यहाँ उनका नाम तौकीर खान उन्होंने रखा है, यानी कि सुम्बुल के पापा का नाम। और उसी अंदाज में स्टैन जो है वो उनके पापा की एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या रिएक्शन सुम्बुल के पापा ने इस पर दिया है? दरअसल सुम्बुल के पापा इस पर ये रिएक्शन देते हुए नजर आए हैं कि स्टैन ने जो एक्टिंग की है वो उन्हें बहुत पसंद आई। वो ट्वीट किया है, उन्होंने इसी प्रोमो को शेयर किया है और लिखा है कि तुम पर गुस्सा नहीं प्यार आता है बेटा, जिस तरह से तुम एक्टिंग करते हो, मेरी जिस तरह से मजाक करते हो, मुझे तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता बल्कि प्यार आता है क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा ये कर रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं सुम्बुल के पापा भी इस चीज को समझ रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है फनी वे में है, फनी टेक में है, तो उसको सीरियसली नहीं वो ले रहे हैं और फनी वे में ही उन्होंने भी इस सब चीजों पर रिएक्ट किया है। फिलहाल सुम्बुल तो घर से बेघर हो चुकी हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, ऐसा उनके पापा ने इशारा किया था। लेकिन बिग बॉस के घर में शिव ठाकरे, एमसी स्टैन, प्रियंका चहर चौधरी, अर्चना गौतम और शालीन भनोत बने हुए हैं और इन्हीं में से कोई एक कल बनेगा बिग बॉस सीजन 16 का विनर। किसको विनर बनते हुए देखना चाहते हैं अपने कॉमेंट्स के जरिए बताएं। वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।